नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रसंग से। नेपाल में थप 27 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कैल गए 1654 टा PCR परीक्षण में 22 गोटे आ 3093 टा एंटीजन परीक्षण के क्रम में 5 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिलक है। तेना बृहस्पति दिन से हो कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जानकारी करौलक है। मंत्रालय के अनुसार थप 220 संक्रमित कोरोना संक्रमण से नीक होत अखन धरि नेपाल में 9,61,781 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छन। अखन नेपाल में 4,376 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 106 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक है। 15 दिन मिथिला मध्यमा परिक्रमा के यात्री सब आई जनकपुर धाम पहुँचल छन। परिक्रमा में सहभागी यात्री भारत के बिहार राज्य के करुणा से भगवान राम तथा माता सीता के डोला बाजा गजा संगे झाकरी सहित बुध दिन बिसौल में विश्राम केने सल। भारत के बिसौल से भिनसर कल्याणेश्वर स्थान गिरिजा स्थान होत जनकपुर धाम आयल आ 4 गते भिनसर पंचकोशी अंतगृह परिक्रमा का विधिवत रूप में परिक्रमा सम्पन्न होत। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक की पुत्री माता सीता संग अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ सुपुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान संग विवाह भेलाक बाद परिक्रमा मार्ग होत भ्रमण के स्मरण में मिथिला मध्यमा परिक्रमा में लाखों तीर्थयात्री सब सहभागी भक खाली पैर 133 किलोमीटर के पदयात्रा करे छन। शांति समृद्धि सुख ऐश्वर्य आ मोक्ष प्राप्ति हेबाक जन विश्वास के साथ सह यात्री सब अपन अपन घर से भोजन आ आवास के व्यवस्था सहित परिक्रमा में सहभागी होय छन। परिक्रमा में सहभागी सबके परिक्रमा मार्ग तथा हरेक पड़ाव स्थल में धार्मिक मेला कथा प्रवचन के साथ भक्त जन सब के निस्वार्थ रूप में विभिन्न प्रकारक सेवा तथा सुविधा सब प्रदान करबाक चलन रहल अछि। फागुन शुक्ल तथा प्रतिपदा से शुरू भेल मध्यमा परिक्रमा पूर्णिमा के दिन अंतगृह परिक्रमा बाद संपन्न करबाक परंपरा रहत आयल। मध्य प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर साह बुध दिन आगलगी पीड़ित परिवार सब संग भेटघाट केने छन। बीतल शनि के राति भेल आगलगी में पड़ल सप्तरी के अग्निशयन कृष्ण सावर गांव पालिका 4 में पीड़ित सबके भेटघाट करते मंत्री साह घटना संबंध में जानकारी समेत लेलन। मंत्री साह पीड़ित के भेट क प्रदेश सरकार के दिस से सहयोग कर प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करते प्रदेश सरकार के दिस से पीड़ित सबके लेल पक्की घर निर्माण कर सहयोग करबाक जिक्र कलन। आवश्यक काठ सहित के घर निर्माण में लागे वाला सामग्री के लिए सरोकार वाला सब संग उपलब्ध कराब पहल क देव लेल प्रतिबद्धता समेत ओ व्यक्त कलन। मंत्री साह अग्नि पीड़ित सबके खाद्यान्न लत्ता कपड़ा त्रिपाल स्टेशनरी सोलार लाइट भाड़ा बर्तन मैट मैक्स सैनिटाइजर संगे विभिन्न सामग्री सब वितरण केने सहित तेना कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी सप्तरी के कोषाध्यक्ष ब्रिजमान तमांग अग्निशयन कृष्ण सावरण गाँवपालिका 5 के वडा अध्यक्ष श्री प्रसाद यादव जसपा नेता राजकुमार यादव गाँवपालिका अध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी जिला सदस्य राम कुमार चौधरी दिनेश कुमार साह गाँवपालिका सचिव मिलन चौधरी लगायत के स्थानीय जसपा नेता कार्यकर्ता सब के उपस्थिति देखल गेल छल। आगलगी में पड़ि कर 10 घर परिवार के 27 घर कोट पूर्ण रूप में जड़ि कर नष्ट भेल संगे करीब 2 करोड़ बराबर के क्षति भेल अछि। टेंगरी के 13 घर परिवार आगलगी के बाद पूर्ण रूप से घर विहीन सेहो भेल छन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड निर्वाचन नहीं हेत कह के विपक्षी दल सब भ्रम फैलेने कहित प्रधानमंत्री शेर बहादुर देव बाद चिंता व्यक्त के ने जानकारी देने सेन। आई भिनसर नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आ अपने के ने भेटघाट में प्रधानमंत्री देव बाद निर्वाचन के तैयारी में लगलाक बाद निर्वाचन नहीं हेत कह के भ्रम फैलाब रहल जानकारी दैत अ पर अपने के चिंता भ रहल प्रचंड जानकारी करौने सैथ। नेकपा एमाले धनसा अध्यक्ष में पुनः राजकिशोर यादव चयन भेल छन। जनकपुर धाम में बुध दिन सम्पन्न 7 जिला अधिवेशन से यादव सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुनल गेल छथ। जनकपुर में समांतर कमिटी गठन भेलाक बाद धनसा के नेता सब विभाजित भेलो पर यादव सर्वसम्मत से जिला अध्यक्ष बनल छन। ओ ऐसे पहले 2077 में भेल एमाले के 6 जिला अधिवेशन से जिला अध्यक्ष बनल छलथ। 7 अधिवेशन से यादव के अध्यक्षता में 135 सदस्य एमाले के जिला समिति चयन कैल गेल संगे जिला उपाध्यक्ष में भोला यादव सचिव में तेज नारायण यादव उप सचिव
तारालाम बस्नेत आ उप सचिव में श्याम पूर्वे सर्वसम्मत से चुनल गया शनि सदस्य सबके बाद में चयन करवाक सहमति समेत भेल जानकारी दलथ। रौतहट स्थित चंद्रनिगाहापुर गौड़ सड़क खंड अंतर्गत हरसाहा चौक में स्कॉर्पियो पिकअप गाड़ी के टक्कर बाद दू गोटे युवक के मृत्यु भेल। टक्कर से एक गोटे नेपाल प्रहरी के असह आ एक गोटे जवान घायल सेहो भेल शनि। चंद्रनिगाहापुर से घर दिस जा रहल 2017/61 नंबर के स्कॉर्पियो पिकअप बीतल रात 8:30 बजे हरसाहा चौक में टक्कर दिला से दू गोटे पैदल यात्री को मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने शनि। मृत्यु भेल में वृंदावन नगर पालिका 6 स्थानीय हरसाहा गांव के 35 वर्षक जितेंद्र पटेल आ व्याठामक 28 वर्षक हरि कुमार ठाकुर रहल इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के प्रमुख DSP श्रीराम भंडारी जानकारी देने शनि। संगे गाड़ी के ठक्कर से ड्यूटी में रहल प्रहरी चौकी हरसाहा प्रमुख असह उपेंद्र यादव आ जवान मुस्तफा अंसारी घायल भेल शनि। असह यादव के गरुड़ा स्थित सामुदायिक अस्पताल आ जवान अंसारी के वीरगंज में इलाज भर रहल DSP भंडारी जानकारी करौलथ। टक्कर से गंभीर घायल भेल ठाकुर के इलाज के क्रम में स्थानीय अस्पताल आ पटेल के इलाजक लेल एम्बुलेंस से भरतपुर ल जा रहल समय मृत्यु भेल DSP भंडारी जानकारी देने शायद। जनता समाजवादी पार्टी जसपा सिरहा के दर्जनों नेता कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस में प्रवेश कलक। जसपा समाजवादी युवा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सकल देव यादव जसपा के नेता सब राजकुमार सिंह श्री प्रसाद यादव कपिल देव महतो दिलीप महतो लाल बाबू केसरी दिनेश यादव लगायत के नेता कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस में प्रवेश कने शनि। जसपा परित्याग कऽ सब गोटे कांग्रेस सिरहा के सभापति रामचंद्र यादव पार्टी में प्रवेश कने संगे हुनका सबके यादव स्वागत कने छथि। कांग्रेस में पार्टी प्रवेश कने राजकुमार सिंह प्रदेश अर्थमंत्री विजय यादव रहल समय हुनकर सलाहकार समेत छलनि। कांग्रेस में प्रवेश कने सब गोल बाजार के रहल छनि। जसपा गोल बाजार के अन्य नेता कार्यकर्ता सेहो जल्दीए कांग्रेस में प्रवेश करय लागल जानकारी दलथि। व्याक लेल किछु दिन भित्रे नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखय लागल जानकारी करौलक अछि। COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण दर फेरू बढ़ लागल जानकारी करबैत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सतर्क रह लेल सब गोटे के आग्रह कलक अछि। विश्व के कतेको देश में संक्रमण दर बढ़ लागल जानकारी करबैत संगठन कोरोना वायरस प्रति सजग होब लेल कहने शनि। एक महीना जते कोरोना संक्रमण दर में कमी आयल मुदा पछिला हफ्ता से किछ देश समय सेहो फेर से कोरोना संक्रमण बढ़ लागल अछि। संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडानियम गेबेरियस कतेको देश में परीक्षण कम भेला से कोरोना संक्रमित कम देखल गेल मुदा ई अधिक घातक रहल जानकारी करौने शनि। संगठन के अनुसार कतेको देश में खोप संबंध में गलत सूचना समेत फैलाओल गेल आ कतेको देश में पहुँच नहीं भेला के कारण से कोरोना के थप जोखिम बढ़त गेल जानकारी देने शायद। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम फेरू पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ल जानकारी दिलक अछि। निगम डीजल पेट्रोल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 5 रुपया से बढ़ल जानकारी करौलक अछि। निगम के अनुसार पेट्रोल डीजल मट्टी तेल नया खुदरा मूल्य अनुसार 155 रुपया आ मट्टी तेल 138 तथा हवाई ईंधन आंतरिक दिस साबिक बिक्री मूल्य में प्रति लीटर 15 रुपया से वृद्धि होत 151 रुपया पहुँचल अछि। भारतीय आयल निगम बुध दिन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ल जानकारी करौने छल। वह अनुसार निगम नेपाल में सेहो मूल्य वृद्धि कयल गेल जानकारी देलक अछि। काल्हि आ परसू खन लगातार घटल सोन के दाम आई बढ़ल अछि। सोन के दाम काल्हि तोला में 1200 रुपया आ परसू 1800 रुपया से घटल छल। आई तोला के 500 रुपया सोन के दाम बढ़ कर 99,800 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिलक अछि। काल्हि खन सोन के दाम तोला में 99,300 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना आई चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। तोला में 20 रुपया से बढ़ल चांदी आई 1390 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। जापान में 7.3 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। भूकंप के कारण दू गोटे के मृत्यु भेल संगे 90 गोटे घायल भेल शनि।
उत्तर पूर्वी जापान में काल सांझ 7.3 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल। भूकंप के बाद लगातार पराकंप सब आब रहा है। राजधानी टोकियो में सेहो असर देखल गेल। बीबीसी जानकारी दिलन भूकंप के प्रभावित क्षेत्र में विद्युत सेवा प्रभावित भेल। अस्थायी रूप में करीब 20 लाख घर में विद्युत सेवा कटौती कैल गेल। संगे विद्युत नियमित करब प्रयास अखन भ रहल अछि। सरकार क्षति के विवरण संकलन भ रहल जानकारी देने संगे सन 2011 के शक्तिशाली भूकंप से जापान में सुनामी सेहो गेल छल। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हो बेटा करब। तखन देर के लेल हम सब अपना विदा मांगे छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।